नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सारे रिकॉलिस्ट राइट टू रिकॉल पार्टी के कार्यकर्ता और सारे भारत के सारे नागरिकों को ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप SMS से अपने MP को ऑर्डर भेजो कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होम मिनिस्ट्री में है जो कि कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, उसको जितनी हो सके जल्दी आज के आज ही डिस्क्लोज किया जाए। आपने एक वीडियो देखा होगा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे श्री चंद्र कुमार बोस का, चंद्रशेखर कुमार बोस जो कि राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं, उन्होंने राइट टू रिकॉल के समर्थन में एक वीडियो दिया था। और हमारी ये मांग काफ़ी सालों से रही है, जैसे कि ये राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो मैंने 2008 में लिखा था, उसके सेक्शन 12.16 में पॉइंट नंबर 4 है कि यूजिंग TCP गैदर पब्लिक ओपिनियन ऑन वेदर टू रिमूव पिक्चर्स ऑफ मोहन भाई फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। और पांचवी डिमांड है यूजिंग TCP गैदर पब्लिक ओपिनियन ऑन वेदर टू डिक्लेयर सुभाष चंद्र बोस एज राष्ट्रपिता। यानी हमारी ये मांग 2007 से रही है कि राष्ट्रपिता का सम्मान महात्मा सुभाष चंद्र बोस को देना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं एक डिमांड और ऐड करना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड जो फाइल होम मिनिस्ट्री में है कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, उसको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज किया जाए। मैं आपके सामने ही एक SMS भेजता हूँ, मैं ये SMS आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये SMS मैं भेज रहा हूँ श्री किरीट सिंह सोलंकी जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी के सांसद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री किरीट सिंह सोलंकी का नाम है और मैं SMS आपको पढ़कर सुनाता हूँ। श्री किरीट भाई, आई एम राहुल मेहता, वोटर नंबर, उसके बाद मेरा वोटर नंबर है अहमदाबाद वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी का नाम है जहाँ के वो सांसद है और मैं वहाँ का मतदाता हूँ, वोटर हूँ। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेंड नेसेसरी ऑर्डर्स टू MP वाई SMS। यानी कि हर एक मतदाता का ये फर्ज बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है और रिलीजियस ड्यूटी बनती है कि वो SMS से ज़रूरी ऑर्डर अपने MP को भेजे। और मैं ये MP को ऑर्डर भेज रहा हूँ, आई एम ऑर्डरिंग यू टू ऑर्डर होम मिनिस्टर to disclose all the files having information on Netaji Subhash Chandra Bose to public and put all those files on the government website. Thank you. यानी कि ये SMS मैं आपके सामने ही भेज रहा हूँ, ये सेंड कर रहा हूँ। किरीट जी को मैंने ये SMS भेज दिया। यानी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अखबार के एडवर्टाइज के जरिए, पैम्पलेट के जरिए, SMS कैंपेन से, फेसबुक के कैंपेन से, आप भारत के 80 करोड़ नागरिकों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो SMS से, भारत के 80 करोड़ नागरिकों को ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो SMS से MP को इस तरह का ऑर्डर भेजे। इसमें कुछ बहुत पहले मैंने पढ़ा था कहीं अखबार में कि किसी मंत्री ने एक निवेदन दिया था, मंत्री का नाम मुझे याद नहीं है, मंत्री या किसी कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अफसर ने, कि वो फाइल हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस फाइल की इंफॉर्मेशन यदि डिस्क्लोज की गई तो भारत के अन्य देशों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा यदि संबंध बिगड़ने हो तो बिगड़े, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने के इतने पर्याप्त सबूत थे तो उसके बावजूद भी उनको मृत क्यों घोषित किया गया और उनको उनके बारे में किसी प्रकार का रिपोर्ट पब्लिक को नहीं दिया गया, या तो वो उनके वेयर अबाउट्स, वो कहाँ पर है वो जानने की कोई कोशिश नहीं की गई। अभी तक जितनी तहकीकात हुई है, जितने सर्च हुए, जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें ये साफ साफ पता चलता है कि ताइवान में जो एयरपोर्ट का एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता था कि एक प्लेन में राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस थे और वो प्लेन एक्सीडेंट हो गया, तो जो ताइवान के एयरपोर्ट का जो लॉग है वो साफ बताता है कि इस तरह का कोई प्लेन एक्सीडेंट उस समय वहाँ पे हुआ ही नहीं था।
और इससे साफ पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस उस दिन जीवित थे, अब वो कहाँ गए वो आगे खोजने की और पता लगाने की बात है। तो वो एक सचमुच महात्मा थे, मतलब आज़ादी की लड़ाई जो हमें सबसे ज़्यादा वो योगदान उनका था। और इसीलिए एक दूसरी भी डिमांड है हमारी इसी से रिलेटेड कि भारत का स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त मनाया जाता है, उसके बजाय 15 अगस्त को कैंसिल करके, मैं तारीख भूल रहा हूँ अभी, जिस तारीख पर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा पर ध्वजवंदन किया था, भारत का सबसे पहला ध्वजवंदन, भारतीय ध्वज का वंदन कोहिमा नागालैंड में हुआ था, जो कि आज़ाद हिंद फौज ने किया था, उस दिन को भारत का स्वतंत्रता दिन माना जाए। तो ये और दूसरा जो नेवी रिवोल्ट का दिन है 18 फरवरी, उस दिन को भारत का गणतंत्र दिवस माना जाए। अब और भारत की सेना का नाम बदल के आज़ाद हिंद फौज किया जाए, जो कि जो नाम सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। ये सारी डिमांड हमारी 2008 से लेकर अब तक थी, 2008 से पहले भी थी, लेकिन 2008 में तो रिटर्न में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में लिखी है। वो मैनिफेस्टो मेरे वेबसाइट rahulmehta.com पर है, काफ़ी सारे लोगों को इसकी रिटर्न कॉपी मिल चुकी है, कुछ कुछ को एक साल पहले मिली, कुछ कुछ को अभी मिली, तो आप उसमें सेक्शन 12.16 में ये सारी बातें देख सकते हैं। तो इसमें किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ एक राष्ट्र के सबसे शहीद और राष्ट्रपिता के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की बात है कि ऐसे क्या रीज़न थे कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक ने नहीं दी, और उसके बाद के नेताओं ने आज तक इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दी। यहाँ तक कि भारत रत्न का सम्मान जब राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस को दिया गया तो उसके बाद ने कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिया हुआ भारत रत्न अदालत ने कैंसिल किया हो, या किसी भी वजह से कैंसिल किया गया हो, और वो किसी के साथ नहीं हुआ और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के साथ ही हुआ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजो कि वो होम मिनिस्टर को ऑर्डर भेजे कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की सारी जो फाइल है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे रखी जाए। धन्यवाद। अब इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे कि आप यदि वीडियो भेज रहे हैं SMS से, आप SMS से MP को ऑर्डर भेज रहे हैं, तो MP का मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा? वो आपको पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से मिल जाएगा। 90-95% MP ने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे रखा है। यदि मान लो किसी MP ने मोबाइल नंबर नहीं रखा, तो जैसे अडवाणी जी है मेरे पास की कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर के MP, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं रखा वेबसाइट पे, तो आप उसी की पार्टी के किसी और पास के जिले के MP को SMS से ऑर्डर भेज सकते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ऑर्डर अडवाणी जी के लिए आप फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे कि मान लो अडवाणी जी का मोबाइल नंबर नहीं है पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट पे, तो उनके पास दो MP है उन्हीं की पार्टी के, हरिन पाठक और दूसरे किरीटी सोलंकी, उन्हीं की पार्टी के। तो आप SMS में इस तरह से लिख सकते हैं कि श्री किरीट भाई, आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरवर्ड फॉलोइंग ऑर्डर टू श्री अडवाणी जी, और नीचे के डियर अडवाणी जी, इट इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू सेंड ऑर्डर वगैरह वगैरह। वैसे मतलब जो ऑर्डर अडवाणी जी को आपको भेजना है, वो ऑर्डर आप श्री हरिन पाठक जी को फॉरवर्ड कर दीजिए और रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो उन्हें फॉरवर्ड कर दे, और दूसरा ऑर्डर उनको SMS से भेजिए कि भाई वो अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पे डाले। और बाकी सारे जो SMS से रिलेटेड टेक क्वेश्चंस है वो मैंने अपने फेसबुक नोट्स पे लिखे हैं, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे नोट्स में देखेंगे तो उसमें पूरे जो नोट्स की लिस्ट है उसमें आप सर्च करना SMS पे, तो आपको 4 नोट्स मिलेंगे कि क्यों नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य बनता है, रिलीजियस कर्तव्य बनता है, धार्मिक फर्ज बनता है कि वो अपने सांसद को SMS से ऑर्डर भेजे। तो बाकी कुछ करो ना करो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की सारी फाइल पब्लिश हो, वो ऑर्डर आप SMS से आज ही भेजें। धन्यवाद।